उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। ऐसे में आगरा के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र सिंह भी जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दरअसल फतेहाबाद की जनता के बीच पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र सिंह एक तरफ जहां इलाके का दौरा कर रहे थे, तो वहीं उन्होंने अखिलेश सरकार की एक से एक बढ़कर उपलब्धियां गिनाई। डॉक्टर राजेंद्र सिंह की माने तो सपा सरकार ने जिस तरह से सूबे में विकास किया है, उससे प्रदेश की जनता काफी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार विकास कराती है, जनता उसको ही सराहती है, इसलिए चारों तरफ सपा के विकास की लहर चल रही है। तो वहीं किसानों की समस्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार के स्तर का मामला करार दिया। मुझे तो लगता है कि सारे की सारी लहर फिर चल रही है कि नहीं चल रही, सूखा पड़ा हुआ है। आप बात कर रहे हैं लहर की, यहाँ तो मोदी का सूखा पड़ा हुआ है। आप देखें ना, जाकर के गांव किसान से जाकर के बात करो कि कितना लहर चल रही है। ये लहर मुझे लगता है कि ऊपर चल रही होगी कहीं पर, आज यहां पर नहीं चल रही है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने नोटबंदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने किसानों को बेरोजगार कर दिया है। किसान से लेकर व्यापारी नोटबंदी से बुरी तरह प्रभावित है, और ऐसे में जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में जरूर देगी। आपको बता दें कि फतेहाबाद विधानसभा सीट पर कुल 2,87,465 मतदाता हैं, जहां पुरुष वोटरों की संख्या करीब 1,58,339 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,29,121 है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हर राजनीतिक दल जनता से संपर्क कर रहा है, और इसी क्रम में विकास की साइकिल पर सवार अखिलेश के प्रत्याशी मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। देखते रहिए डीपी लाइव।